प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद मीडिया से बातचीत में सभी 11 सीटों को जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी जनता के दिलों में रच बस गई है, पार्टी अपने किए गए वादों को पूरा करेगी और जनता का विश्वास जीतेगी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारतीय जनता पार्टी पूरे 11 की 11 लोकसभा को लक्ष्य जीतने का लक्ष्य करके काम कर रही है और स्वाभाविक रूप से संगठनात्मक दृष्टि से हमारी कार्य योजना कार्यक्रम हम तो काफ़ी महीनों पूर्व ही चालू कर दिए थे। विधानसभा के पहले ही लोकसभा की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्तागण लग गए थे और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिन रात मेहनत करेगी, जनता के पास जाकर जनता से सीधे संवाद करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी की योजना है, जिसकी गारंटी है पूरी पूर्ण होने की, और बहुत जल्दी आपको हफ्ता भर में ही बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कार्य योजना जिसकी बात हमने विधानसभा चुनाव में जनता के सामने रखी थी कि सरकार बनने के बाद हम इस काम को पूरा करेंगे। इधर केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति द्वारा विजय बघेल को फिर से टिकट दिए जाने पर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। इस मौके पर सांसद विजय बघेल ने कहा कि वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें फिर से अवसर दिया गया है। श्री बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने पहले 283, फिर 303 और इस बार 370 सीटों से अधिक पर अपना परचम लहराएगी बीजेपी। इसके साथ ही भाजपा और एनडीए 400 के पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी का और पूरे केंद्रीय चुनाव समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी और यहाँ के शीर्ष नेताओं को भी, और इसके साथ ही साथ दुर्ग लोकसभा के मेरे प्रिय आत्मिक जनता जनार्दन, जिनका आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा है, और यहाँ के कर्मठ हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, युवा साथियों के बदौलत ये विश्वास फिर से एक बार पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से व्यक्ति के प्रत्याशी बनाया है दूसरी बार, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत। वहीं राजनांदगांव लोकसभा आम चुनाव के लिए संतोष पांडे को पार्टी प्रत्याशी घोषित होने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर बनी हुई है। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के मानव मंदिर चौक में पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं सांसद संतोष पांडे ने उन पर फिर से भरोसा जताने पर देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो अवसर दिया है उस पर वे खरा उतरेंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हमारे प्रदेश के सभी नेताओं का मैं आभारी हूं जिन्होंने मुझे दोबारा अवसर प्रदान किया। साथ ही राजनांदगांव संस्कारधानी की जनता का, जिन्होंने मुझे हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया, मैं उनका बहुत आभारी हूं। गौरतलब है कि सांसद संतोष पांडे ने अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास के विभिन्न कार्य किए हैं, जिससे जनता में उनके प्रति विश्वास का माहौल है।